हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि आज यानी कि 19 फरवरी 2022 से छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो दोबारा आना स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो छात्रों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किन छात्रों का जो पैसा है वो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। प्लस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए बेसिकली जो अमाउंट है वो कल शाम से आना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल शाम से स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फिर आज सुबह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बताया कि सर हमारी जो स्कॉलरशिप है वो आज हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई। तो मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो कहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका अमाउंट प्रोसेसिंग में है या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा, स्टेटस दिखाऊंगा जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है, यानी कि अमाउंट क्रेडिट होने का जो स्टूडेंट्स के पास मैसेज आया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन छात्रों का पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग यूपी स्कॉलरशिप 2021 करेक्शन फॉर्म का ऑप्शन देख सकेंगे, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहां पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना प्री मैट्रिक का, पोस्ट मैट्रिक का एंड अदर देन इंटर का जो फॉर्म है वो लॉगिन कर सकते हैं। प्लस आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेक स्टेटस ऑन उमंग ऐप PFMS का के क्लिक हियर लिखा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप उमंग के पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आपको सिंपली अपनी बैंक की डिटेल्स फिल करनी है और आप अपना अमाउंट चेक कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो प्रोसेसिंग में है या नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं स्टेटस की तरफ, आपको लाइव दिखाते हैं जो अमाउंट क्रेडिट होने का मैसेज स्टूडेंट के पास आया है। सो गाइज, देखिए इन्होंने हमें कल शाम मैसेज करके बताया था कि सर जो हमारा अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है और इनका जो अमाउंट था वो प्रोसेसिंग में था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके पास मैसेज आया है ₹12,900 क्रेडिट टू दिस अकाउंट नंबर फ्रॉम ECH, ठीक है, यानी ECH के माध्यम से इनका जो पैसा है ₹12,900 का वो इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है कल शाम 5:56 पर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग नीचे डेट भी देख सकते हैं 18 फरवरी 2022, यानी कि कल के दिन इनका जो पैसा है वो इनके बैंक अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। अब बात यह आती है कि किन छात्रों का जो पैसा है वो आ रहा है। तो देखिए, जिन छात्रों के फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, उन छात्रों का जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया गया है। काफी ज्यादा छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। प्लस कुछ छात्रों का अमाउंट PFMS पर, उमंग पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एक बार आप लोग अपना बैंक का बैलेंस चेक करिए और अपना यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करिए और जानिए कि आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में है या फिर वेरीफाई हो गया। अगर आपका वेरीफाई हो गया फॉर्म तो आप लोग 10 से 15 दिन का वेट कर सकते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और किसी भी तरह की अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो कर लिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।